हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो कैसे हैं आप लोग? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि हमने एक सीरीज चलाई हुई है जहाँ पे हम पेपर वन का एनालिसिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, हमने इससे पहले ऑलरेडी सॉलिड स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एनालिसिस कर लिया है। दिस इज द थर्ड वीडियो इन द सीक्वेंस, एंड जहाँ पे हम क्वांटम केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम उनको एनालाइज करने वाले हैं, और कितने वेटेज है, कितने किस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ये आपको आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, जहाँ पे केमिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपका है, आपको बहुत हेल्प करेगा। आप फोकस होके पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया मिलेगा कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस को सुनने के बाद आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। नाउ 2014 से हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सी देखिए, तो पहला क्वेश्चन 2014 में आया था, फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एवरेज पोजीशन एंड मोमेंटम। सी ये जो है, ये एमएससी में पढ़ाया जाता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ग्रेजुएशन में भी पढ़ा दिया जाता है। मैंने तो मुंबई यूनिवर्सिटी में एमएससी में पढ़ा था इसको, जहाँ पे आपको एवरेज पोजीशन और एवरेज मोमेंटम निकालना होता है। इसका छोटा सा डेरिवेशन होता है, जहाँ पे आपको ये एवरेज पोजीशन और मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। तो ये वन डायमेंशनल बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप 1D के बारे में पूरा पढ़ना स्टार्ट करते हो, तब आपको ये चीज़ पक्का पढ़नी पड़ती है। तो अगर आपने वन डायमेंशनल की पढ़ाई करी है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, जिसको वो पोटेंशियल वेल भी कहते हैं, तो आपने ये चीज़ वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ी होगी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन फ्रेम करना पड़ेगा। सी आंसर फ्रेमिंग मैंने अभी तक करी नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी, मैं कैसे अगर इनके आंसर्स लिखता तो मैं फ्रेम करके बता सकता हूँ, जो शायद आपको हेल्प करेगा यूपीएससी प्रिपरेशन में। जिन बच्चों को नहीं पता कि यूपीएससी की आंसर्स कैसे लिखा जाता है, यूपीएससी का जो आंसर्स होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जहां पर आपको अपनी नॉलेज को वहां पे शोकास्ट करना होता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। हर स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है, यहां पे कोई प्री डिफाइंड या प्री डिसाइडेड कॉन्सेप्ट नहीं है कि रट्टा मार लो और उसको लिख दो। तो आपको जो भी आता है आप उससे लिख सकते हो। तो जितना आप मल्टीपल चीज़ें रीड करेंगे, आपका आंसर का जो क्वालिटी है, जो कॉन्टेंट है, वो उतना ज़्यादा तगड़ा और उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसलिए आप कभी नहीं कह सकते कि अगर मैंने इतना पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। अगले क्वेश्चन पे अगर चलें तो अगला क्वेश्चन था, ड्रॉ द रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शंस एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाइड्रोजन एटम। सी देखिए, अगर आप क्वांटम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, क्वांटम को दो पार्ट में पढ़ाया जाता है, पहला क्वांटम होता है, क्वांटम सेकंड होता है। पहले में आप उसके थ्योरीज वगैरह पढ़ते हो, जहाँ पे आप डेरिवेशंस एंड ऑल दो स्टफ पढ़ लेते हो, उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन पढ़ते हो हाइड्रोजन एटम पे। हम लोग, क्योंकि हमने जितना भी क्वांटम केमिस्ट्री स्क्रोडिंजर इक्वेशन वगैरह सब निकाला है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए निकाला हुआ है, ठीक है, जो भी अब आप क्वांटम नॉर्मली पढ़ते हो सब। तो हाइड्रोजन एटम के एज अ एप्लीकेशन होता है, जैसे 1s2s2p ऑर्बिटल बनाना, उनका इक्वेशन सेटअप करना, उनका रेडियल डायग्राम ड्रॉ करना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ड्रॉ करना। तो जो थ्योरीज है, ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं आता है। थ्योरीज में आप वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ते हो, टू डायमेंशनल बॉक्स पढ़ते हो, 3D बॉक्स पढ़ते हो, फिर उसके अंदर पॉस्टुलेट्स को पढ़ते हो, क्वांटम के पॉस्टुलेट्स को पढ़ते हो, पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ते हो, वेरिएशन थ्योरम पढ़ते हो, दुनिया भर के जो थ्योरम्स वगैरह, सारी थ्योरीज वगैरह वो यहाँ आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, वो होता है हाइड्रोजन एटम। तो ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन पार्ट से उठाया गया क्वेश्चन है, जहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम बोहर्स मॉडल वाला नहीं है, सिर्फ नॉट बोहर्स मॉडल का, वो बोहर्स मॉडल का नॉर्मल है, उसको आप क्लासिकल मॉडल मान सकते हो एक तरीके से, क्लासिकल तो नहीं बट आप मान सकते हो उसको एक क्लासिकल मॉडल है। ये हम क्वांटम मॉडल में हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन था वो 20 मार्क्स का था, भले अगर मैं 2014 की बात करूँ तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, वन डायमेंशनल से, पोजीशन एंड एवरेज मोमेंटम से, रेडियल पार्ट से, ऑर्बिटल डायग्राम से, जो आपको ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना पड़ता था। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। सी आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू का एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप जाके देखेंगे यू विल फाइंड दैट आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू का, बट दैट इज़ नॉट इनफ टू फ्रेम आंसर, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा, आंसर फ्रेमिंग आपको करनी पड़ेगी। तो बट आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म आइगन फंक्शन आइगन वैल्यू, 10 मार्क्स के लिए आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ऐसे मान सकते हो 10 मार्क्स उसके लिए। व्हाट विच ऑफ दिस आर आइगन फंक्शंस ऑफ दी ऑपरेटर, ये आपके सामने एक ऑपरेटर दिया है, इस ऑपरेटर को इन फंक्शंस पे अप्लाई करना है, क्या ये फंक्शंस आइगन फंक्शंस हैं, और उनकी वैल्यूज बतानी है, आइगन वैल्यू क्या होती है। मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का था 2014 में, वो कंप्लीट आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज पे था। तो ये आइगन फंक्शन आइगन वैल्यूज तो नॉर्मली आप थ्योरीज वाले पार्ट में जब आप पोस्टुलेट्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब आप ये पोस्टुलेट्स पढ़ते हो ना क्वांटम के,
जब आप थियरीज के पॉस्टुलेट पढ़ना स्टार्ट करते हो तब पढ़ा दिया जाता है ना। 2015 के क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसी देखिए एक बड़ा क्वेश्चन आता है 2015 में, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। क्या पूछा गया है इसके अंदर, द वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स आर, एक वेव फंक्शन दिया है आप लोगों के सामने, तो एक नॉर्मल वेव फंक्शन है स्क्रोडिंजर से सेटअप किया हुआ इक्वेशन से। वैन एन इज द क्वांटम नंबर, वेर एन इज द क्वांटम नंबर, एक्स का वैल्यू उन्होंने बता दिया है इधर, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। सी देखो इससे पहले भी जो क्वेश्चन आप देख रहे थे इसमें, तो आपको एवरेज पोजीशन और मोमेंटम निकालना था। यहाँ पर आपको निकालने के लिए कहा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, पी स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम, स्टेट ऑफ द पार्टिकल इन द बॉक्स, इंटरप्रेट योर आंसर। तो ये 10 मार्क्स का था, आपको इसको सॉल्व करना था, थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आंसर फ्रेमिंग करना इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था बोहर्स मॉडल से रिलेटेड। अब ये एक्चुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का एटॉमिक के बारे में जो हमने 11th 12th में पढ़ा है, बोहर मॉडल फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट दैट द एनर्जी ऑफ द अलाउड ऑर्बिटल, ये आंसर है। ये फॉर्मूला हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, 11th स्टैंडर्ड में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहाँ पे एन का वैल्यू देते थे। द बाल्मर सीरीज करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन बिटवीन विच एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन एटम, यार ये तो 11th का क्वेश्चन है। डज द पाश्चन सीरीज अपियर्स एट हायर और लोअर वेवलेंथ देन द बाल्मर सीरीज, 12th का है अपना हाइड्रोजन का जो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पिफंड, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है यूट्यूब पे, मेरा जो इंग्लिश चैनल है मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप इनको देख सकते हो। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज, आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा गया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन टेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल, सी ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्रस्ट मी ये 12th स्टैंडर्ड के जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं। इज द फोटोन हायर इन एनर्जी और लोअर इन एनर्जी देन द ट्रांजिशंस एन टू N3 इक्वल टू N इक्वल टू 1 इन, एक्सप्लेन योर आंसर इन बेरिलियम 3+। सी ये कंप्लीट 11th 12th का क्वेश्चन है, जो 11th स्टैंडर्ड में आप जेई मेंस और एडवांस में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, और इसका जो मार्किंग है अगर मैं देखूं तो ये 10 और 10 मतलब 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स तो यहाँ हमें आराम से मिल जाते हैं लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पिफंड से। तो 20 मार्क्स का 2015 का जो क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का, ये टोटल 30 मार्क्स हो गए। 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आए थे, दो ही क्वेश्चन थे क्वांटम के, जिसमें एक 1D में पूछा गया था एक्सपेक्टेड वैल्यू और दूसरा कंप्लीट बोहर्स मॉडल पर पूछा गया था। 2016 के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला, व्हाट आर दी एंगुलर वेव फंक्शंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एंगुलर वेव फंक्शंस बताओ डी ऑर्बिटल के कितने, ये आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट हो जाता है, एंड में बताया जाता है व्हाट आर दी वेव फंक्शंस, एक्सप्लेन दैम इंक्लूडिंग देयर ज्योमेट्रिक साइन, वो हम जो ज्योमेट्री साइन डालते हैं ना इस तरीके से, वो जीरेड अनजीरेड निकालने के लिए, वो ज्योमेट्री साइन डाल के आपको बताना है कि इसके अंदर क्या है विद दी हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को आप आराम से किताबों में से पढ़ सकते हो, आंसर फ्रेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है सेटअप स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन 3D। अब इसका पूरा डेरिवेशन करना है क्या, डू यू हैव टू डिराइव दी एंटर, नो उन्होंने सिर्फ सेटअप करने के लिए कहा, दे हैव नॉट आस्क यू टू डिराइव स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के नेचर पे कमेंट करो, वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व बताओ उसके अंदर कौन से टर्म इन्वॉल्व है। 3D का वेव इक्वेशन आएगा, साई का जो फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ, वो जो पूरा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है वो आपको सेटअप करना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, सी ये ना बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो जब हम पढ़ाना भी स्टार्ट करते हैं क्वांटम तो पहले ही पढ़ाते थे भैया साई का मतलब और साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये वेव फंक्शन होता है और इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेन करना था, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था 2016 का। तो अगर आप 2016 में देखिएगा 25 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन निकल के आए, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का दो ही क्वेश्चन थे सिर्फ, और 25 मार्क्स की वेटेज थी, एंगुलर वेव फंक्शन साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ तो काफ़ी कम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 55 या 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे एंड ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे क्वेश्चन कम है और उन क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का मिल सकता है, दो ही क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स ला के दे सकते हैं। 2017 के क्वेश्चंस को देखिएगा, फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स लेंथ कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग। अब ये देखिए ये आप अगर जब वन डायमेंशनल बॉक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, एंटायर वन डायमेंशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट द कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड डिड्यूस इट्स शेप। अब ये वाला वो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, हाइड्रोजन एटम का जो हमने एप्लीकेशन क्वांटम में पढ़ते हैं ये वहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपको 25 मार्क्स देगा, बाप रे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अगर आप क्वांटम आप कहीं से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। आपको यहाँ से 15 मार्क्स और यहाँ से आपको 10 मार्क्स, सी क्वेश्चन सिंपल है पर आंसर राइटिंग डिफिकल्ट होती है, यू विल हैव टू बी श्योर कि आप क्या लिख रहे हो और एग्जामिनर को क्या चाहिए उस क्वेश्चन में। तो 2017 में 25 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन था, मतलब आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक ही यूनिट था वो, उसमें दो क्वेश्चन थे, तो 15 और 10, इसमें आपको सिर्फ अब देख रहे हो वन डायमेंशनल बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसके ऊपर, तो आप समझ लो मैं जो कहना चाहता हूँ। 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था, पार्टिकल इन अ रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ दिस इन द ग्राउंड सेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हाफ ऑफ दिस। अब देखिए क्वेश्चन को इन्होंने कैसे घुमाया, इस क्वेश्चन को देखिएगा, फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ ए, एक ए लेंथ का अगर पार्टिकल है एक एक बॉक्स में भरा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एट 0 एंड a/2 है ना,
यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट में तो प्रोबेबिलिटी ऐसे आती है, इसका आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी नोड एनडी नोड का इसमें एप्लीकेशन आता है। और इसी क्वेश्चन को आप देखिएगा, पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ एल इन द ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द हाफ सेंटर ऑफ द बॉक्स। सर वही तो बात हो गई, हाफ सेंटर ऑफ द बॉक्स मतलब एक ही क्वेश्चन को इन्होंने 2 साल में अलग अलग घुमा के पूछा, और वो भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा, और अगर आप पीछे देखिएगा वो भी क्वेश्चन यहाँ पर ये 15 मार्क्स का पूछा था, क्योंकि वहाँ पे जीरो भी लगा दिया था, 5 मार्क्स आप एक्स्ट्रा समझ लो जीरो के लिए डाल दिया था, ठीक है। तो यू विल हैव टू फ्रेम, आप समझ रहे हो, फिर से वन डायमेंशनल बॉक्स आ गया। फिर व्हाट इज एन ऑर्बिटल, हाउ इट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड एंगुलर टोटल नंबर ऑफ नोड इन 2s, ये सब नोड एंटी नोड वाला फंडा पूरा एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया। वुड इट बी पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, अब ये हो गया है आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मोमेंटम एंड पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये पूरा पार्ट जो है ये क्वेश्चन बेसिक्स वाला पार्ट हो गया, इवन तो बेसिक्स का है बट आपका आंसर जो होना चाहिए वो प्रॉपर वर्ड्स के साथ एडवांस लेवल का होना चाहिए। 15 मार्क्स यहाँ पे हैं, 10 मार्क्स यहाँ पर हैं, तो अगर आप देखिएगा 2018 में 25 मार्क्स, तो 25 मार्क्स ऑन एन एवरेज आप एक चीज़ नोटिस करोगे 25 से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें फिर से वन डायमेंशनल आ गया, यहाँ 1D था, यहाँ 1D था, यहाँ 1D था, मतलब वन डायमेंशनल क्वांटम केमिस्ट्री का, वन डायमेंशनल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का पूरा पोस्टमार्टम करके जाइएगा, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। सेकंड एक चीज़ मुझे यहाँ जो समझ में आ रही है वो है हाइड्रोजन एटम का एप्लीकेशन, बोहर मॉडल वाला नहीं, क्वांटम वाला जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम क्वांटम वाला, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंगुलर वेव फंक्शन, ये सारे हाइड्रोजन एटम के क्वेश्चन हैं, आप इसको करके जाइएगा। 2019 में अगर देखिएगा यूजिंग हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ द सिंपल है 1200 का जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ हनी बी वेइंग दिस इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी अज्यूमिंग द अनसर्टेनिटी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अगर ये जेई मेंस और एडवांस में आता तो शायद 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती। अब आपको इसको एलोबरेट करना है, पहले तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, फॉर्मूला क्या है, फिर उसको एप्लीकेशन लगाना है, इसको सॉल्व करना है और आंसर फ्रेम करके देना है। तो 2019 का ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स के लिए, सिर्फ 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन मुझे मिला, हो सकता है मेरे से कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो, ऐसा नहीं है सीधे कि ये एनालिसिस 110% करेक्ट है, ऐसा भी नहीं है, देर मे बी फ्यू मिस्टेक्स, मतलब हो सकता है मैंने कुछ स्किप कर दिया हो या मेरी नज़र में नहीं आया, बट ऑन एवरेज अगर आप देखिएगा तो 10 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। 2020 में द वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर्स मॉडल पे एप्लीकेशन आ गया ये क्वांटम वाला हाइड्रोजन एटम, व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या होगा, तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है जहाँ पे आप क्वांटम मैकेनिक्स को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करते हो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, डीजनरेसी एनर्जी लेवल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, अब ये यहाँ ये ऑर्बिटल नहीं एक्सप्लेन करना है, वो 1 2 1 2 2 1 1 2 1 इस तरीके का जो डीजनरेसी हमने एनर्जी लेवल्स का पढ़ा था वो आपको एक्सप्लेन करना है। फाइंड द नंबर ऑफ डीजनरेसी हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल्स हैविंग एनर्जी दिस, ये रिडबर्ग कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो दिस विल बी अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगर आप 2020 का देखिएगा ओनली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, हाइड्रोजन एटम रेडियस एंड डीजनरेसी। सो मुझे बताइए व्हाट इज दी एनालिसिस, अगर मैं आपको अब इतना सब बता चुका हूं आपको क्या समझ में आया। सर दो टॉपिक जो हॉट टॉपिक हैं जो यूजुअली रिपीट होते हैं वो तो एक है कि क्वांटम का बेसिक्स, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होता है, साई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दूसरा है वन डायमेंशनल, इवन 3 डायमेंशनल के भी इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं जितने 1 डायमेंशनल के, पर्टर्बेशन थियोरी, ये जितनी भी एडवांस लेवल की क्वांटम है कुछ नहीं पूछी गई है, कुछ नहीं क्वेश्चन, ना वेरिएशन थियोरी है ना पर्टर्बेशन थियोरी है, यूजुअली क्वेश्चन रिवॉल्व होते हैं तो 1 डायमेंशनल के अराउंड ही रिवॉल्व होते हैं, उसमें भी वो बॉक्स का लेंथ, प्रोबेबिलिटी, डीजनरेसी से रिलेटेड है। दूसरा है हाइड्रोजन एटम, क्वांटम वाला हाइड्रोजन एटम, नॉट बोहर्स मॉडल का हाइड्रोजन एटम, ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे। बेसिक्स में तो आइगन फंक्शन, आइगन ऑपरेटर आ गया, पोस्टुलेट्स आ गया, वो सब आ गया, उसके बाद में 1 डायमेंशनल उसका एप्लीकेशन आ गया, फिर वो सबका एप्लीकेशन हाइड्रोजन एटम आ गया। तो आप अगर क्वांटम केमिस्ट्री को, क्वांटम मैकेनिक्स को या क्वांटम केमिस्ट्री को अपना एक टॉपिक रख रहे हो यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो इन इन टॉपिक्स को तो सबसे पहले कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी है कि 2021 में इसके ऊपर और क्वेश्चन आ जाएँ, और हो सकता है वेटेज, अब अगर आप नोटिस कीजिएगा तो वेटेज धीरे धीरे गिरी ही है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन एक ही आए या हो सकता है वेटेज दोबारा बढ़ जाए, यू कैन नेवर बी श्योर कि क्या होने वाला, बट कुछ आइडिया हमको यहाँ से मिल गया। बुक्स अगर आपको रेफर करनी है सीधे के, मैं कहूँगा कि इंडियन ऑथर को रेफर कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। इरा आर के प्रसाद जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने, काफ़ी ढंग से उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं पर्सनली आर के प्रसाद को रेफर करता हूँ, आपको बुक स्टोर्स में यहाँ वहाँ मिल जाएंगी, अगर PDF मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। इरा लवाइन की बुक अच्छी है,
बट लैंग्वेज, क्योंकि फॉरेन ऑथर है तो लैंग्वेज इंडियन ऑडियंस के समझ के कभी कभी बाहर हो जाती है. सेम है डोनल मैक्वेरी के साथ, दोनों बुक मेरे पास हैं, ये दोनों बुक भी मेरे पास, ये भी मेरे पास है और पूरी शर्मा पठान, ये चारों बुक्स मेरे पास हैं. बट मुझे पर्सनली इनमें जो अच्छी लगी, सी आर के प्रसाद कम्प्लीटली क्वांटम की है, ईरा लवाइन भी कम्प्लीटली क्वांटम के लिए है, डोनल मैक्वेरी भी कम्प्लीट क्वांटम के लिए, मतलब इनको मैं कह सकता हूँ सिर्फ एक टॉपिक रिलेटेड बुक है. बट पूरी शर्मा पठानिया एक टेक्स्ट बुक टाइप है जिसमें सारी फिजिकल केमिस्ट्री को डाल दिया गया है. तो मैं इसीलिए इसको कहूँगा कि ये लास्ट में रेफर कीजिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा कि आप आर के प्रसाद से इन चीज़ों को पढ़ सके. आर के प्रसाद में जिस तरीके से इंडियन ऑडियंस के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो काफ़ी समझने वाली है. ईरा लवाइन को ना रेफर करके अगर आप डोनल मैक्वेरी को रेफ़र करें तो भी चलेगा, क्योंकि डोनल मैक्वेरी की थोड़ी लैंग्वेज जो है वो अब समझ लो यार, फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं तो समझने में द वे दे राइट, द वे दे एक्सप्रेस, उनका जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी, हमें समझ में नहीं आता. तो आप इनका रेफ़र कर सकते हो, इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हो. अगर हो सके आने वाले टाइम में, अगर मैंने अपने ऐप पे अगर क्वांटम केमिस्ट्री के कोर्सेज वगैरह अगर मैंने बना दिए तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न या टेक्निक है वो बहुत थ्योरेटिकल है, तो आपको पक्का वो मदद करेगी. मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे एप्लीकेशन पर जाके अगर आप सॉलिड स्टेट का कोर्स अगर ले सकें, आप एक बार देख लें कि आपको उससे कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता, देन यू कैन डिसाइड कि फर्दर कोर्सेज लेने हैं कि नहीं. मैं चैप्टर वाइज कोर्सेज रिलीज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग यू एंटायर वन टाइम, चैप्टर वाइज जो आपको लगेंगे. सॉल्यूशन कॉलिगेटिव्स वगैरह मत लीजिएगा क्योंकि उसकी वेटेज नहीं है यूपीएससी में, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के आए हैं, पेपर एनालिसिस मैंने कर दिया. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय.